वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, जो 68,500 शिक्षक भर्ती है उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे रही हूँ कि एग्जैक्टली होना क्या है, आगे एग्जाम कैंसिल होगा या फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा। क्योंकि शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि काफ़ी गड़बड़ियाँ चल रही है, जैसे कि स्कैन कॉपी और कॉपी का जो पेज ही गायब कर देना, कुछ लिख देना अलग से, दूसरी हैंड राइटिंग में किसी का आंसर चेंज कर देना, जब इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है इस भर्ती का आगे कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं है। या तो रिजल्ट री रिजल्ट होगा या फिर इसको भर्ती को फिर से एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो उसी को लेकर एक और बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दृष्टि पीसीएस, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी जॉब्स की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से फटाफट बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है पूरी खबर। नियुक्ति पत्र बांटकर फंसे अफसर। 68,500 शिक्षक भर्ती की जो लिखित परीक्षा परिणाम की गुत्थी निरंतर उलझती जा रही है। जैसे जैसे कोर्ट के आदेश पर स्कैन कॉपी की परीक्षा दफ्तर से बाहर आ रही है, उसी रफ्तार से बवाल व परीक्षा में नित सवाल खड़े हो रहे हैं। यह नौबत इसलिए आई है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तत्परता से सफल अधिकांश अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं, अन्यथा पहला परीक्षा परिणाम रद्द करके नए से दूसरे रिजल्ट देकर विवाद में उससे बचा जा सकता था। शिक्षक भर्ती की पहली लिखित परीक्षा कराने वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर इन दिनों उत्तर पुस्तिकाओं के नए सिरे से खंगाला जा रहा है। शासनादेश के प्रावधान के तहत कापियों का दोबारा मूल्यांकन नहीं हो सकता है, लेकिन कापी पर दर्ज अंक कापी पर दिए गए अंकों का जोड़ और अवार्ड ब्लैक पर लिखे गए नंबर की जांच हो रही है। साथ ही शासन ने भी कुछ कॉपियों का ब्यौरा मांगा था, उसे पहले से ही भेज दिया गया। सूत्रों की माने तो छानबीन में रिजल्ट व कॉपी पर दर्ज अंकों के में बेमेल प्रकरण 100 से 150 के लगभग बताए जा रहे हैं। शायद इसका अनुमान अफसरों को पहले से ही था, इसलिए संशोधित रिजल्ट देने की विज्ञप्ति 22 अगस्त को जारी की गई थी। इस पर अंतिम निर्णय शासन को ही करना है। परीक्षा परिणाम में बार कोडिंग गड़बड़ होने का राजफाश पहले ही हो चुका है। ऐसे में रिजल्ट में सफल होकर नियुक्ति पत्र पाने वालों की कापियां गुपचुप तरीके से खंगाली गई तो कहीं उनमें कोई अनुत्तीर्ण नहीं है। यदि उनमें अंकों की हेराफेरी मिलती तो अभी समय है। अफसर मानते हैं नियुक्ति पाने वालों को वेतन आदि जारी नहीं हुआ है। अब सभी की निगाह हाईकोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई और उच्च स्तरीय जांच की समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। बताइए, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि अभी भी एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी या फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा। जहाँ तक हाईकोर्ट के ऑर्डर में यही आने वाला है कि इसका री रिजल्ट या री एग्जाम कराया जाए। सो टिल देन वेट फॉर द रिजल्ट एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि पीसीएस, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।